पहला वीडियो लेबनान से आया है। धमाका नंबर एक, धमाका नंबर दो, धमाका नंबर तीन। इस हमले के साथ दूसरा बड़ा वीडियो इजराइल लेबनान बॉर्डर से आया, जहां गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट अचानक पहुंचे। गैलेंट ने साफ कह दिया है कि हमास के साथ सीज फायर को लेकर डील हो भी गई तो हिजबुल्ला से लड़ाई जारी रहेगी। तीसरा वीडियो गाजा के रफा से आया है। इजराइल के कमांडो भाग रहे हैं। एक एयर स्ट्राइक के बाद कमांडोज की ये टीम टारगेट की तरफ बढ़ रही है, फिर ये फोर्स एक ठिकाने पर जमा होकर ऑपरेशन शुरू कर देती है। ऐसी तस्वीरें दुनिया पिछले 9 महीनों से देख रही है। गाजा से लेकर लेबनान और हमास से लेकर हिजबुल्ला, इजराइल के सामने दो फ्रंट वाला युद्ध जारी है। गाजा में लड़ाई के बीच हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन गाजा से भी इजराइल के लिए चौंकाने वाली खबर है। इजराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीनों में ही तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर पहुंच गया है। गाजा में 9 महीनों से जारी तबाही के बीच बड़ी खबर लेबनान से आई है, क्योंकि लेबनान में इजराइल ने मार डाला हिजबुल्ला का बहुत बड़ा कमांडर। इस कमांडर को नेतन्याहू ने बड़े धमाके से खत्म कर डाला। मेधम मुस्तफा अल अत्तार को इजराइल ने मार डाला है। अत्तार हिजबुल्ला का एयर डिफेंस कमांडर था। अत्तार की ट्रेनिंग ईरान में हुई थी और वो ईरान के जरिए हथियारों को लेबनान लाने में बड़ी भूमिका निभा रहा था। इजराइल को पता चला कि अत्तार दक्षिणी लेबनान के शात शहर में है और फिर उसके ठिकाने को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। इजराइल के मुताबिक अत्तार लेबनान बॉर्डर पर कई इजरायली ठिकानों को तबाह करने के ऑपरेशन में शामिल था। इजराइल का दावा है कि अत्तार के अंत से हिजबुल्ला को 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगा है। इजराइल का दावा है कि अत्तार के अंत से हसन नसरल्ला का एयर डिफेंस वाला बाजू कट गया है। बतोखा मारखा कशा मूल लबनान कवानो इकरोन शमी शे पोगा बनो दमो बिरोशो אנחנו מממשים את זה הלכה למעשה. אנחנו יודעים שהדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לצפון ולהחזיר את התושבים בביטחה לבתיהם. इस वक्त हिजबुल्ला और इजराइल के बीच लेबनान बॉर्डर पर बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। जिसको मौका मिल रहा है वो अपने दुश्मन को मिसाइल से या फिर बंकर बस्टर बम से उड़ा रहा है। हिजबुल्ला ने भी माना है कि अत्तार का अंत हो चुका है और अब इजराइल के साथ युद्ध में उसके कमांडरों और लड़ाकों की मौत का आंकड़ा 361 तक पहुंच गया है। हिजबुल्ला के कंधों पर इतनी लाशों का वजन एक बड़े युद्ध को भड़का सकता है, क्योंकि हसन नसरल्ला भी अब अपने लड़ाकों का जनाजा उठाकर थक गया है। ये बात इजराइल भी मान रहा है। हालांकि हिजबुल्ला के पॉलिटिकल विंग ने कहा है कि वो दोगुनी ताकत से इजराइल को इसका जवाब देगा। مهما فعل هذا العدو ومهما حاول ان يدمر وان يقتل وان يقوم بعدوان وباجرام بالتاكيد هذه المقاومه سترد. इससे पहले हिजबुल्ला इजराइल में अपना ड्रोन उड़ाकर कोहराम मचा चुका है। हिजबुल्ला का दावा है कि 10 मिनट के वीडियो में अब इजराइल के इंच-इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है। उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उनके पास पहुंच चुके हैं।
10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्ला ने इसराइल का अंत दिखाया है। 10 मिनट के वीडियो में नसरल्ला ने अपना खुफिया मिशन दिखाया है। डर ये भी है कि 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्ला ने खोज निकाला इसराइल का एटम बम। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्ला ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया है 440 वोल्ट का झटका। 10 मिनट का वीडियो देखकर नेतन्याहू को पूछना पड़ा, वीडियो बनाने वाला ये ड्रोन किसका? जब से हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला ये वीडियो जारी किया है, नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। इसराइल की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि गाजा में हमास से निपटे या फिर हिजबुल्ला की नई धमकी से, और इसलिए इसराइल की वायुसेना हिजबुल्ला के उन कमांडर्स को मार रही है जो नसरल्ला के ज्यादा करीब है। גם אם נגיע להסדרה בעסקה של חטופים, ואני מקווה מאוד שנצליח להגיע לזה בדרום, זה לא מחייב את מה שקורה כאן. אלא אם חיזבאללה יגיע להסדרה. אבל הפסקת אש זה לא הפסקת אש. הפסקת אש שם והגעה להסדר, כאן ממשיכים להילחם ועושים את כל מה ש... हिजबुल्ला ने कैसे इसराइल की नाक में दम किया हुआ है, आप उसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्ला इसराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी धमाके कर रहा है। अब उसका प्लान इसराइली सैनिकों को किडनैप करना है, लेकिन इसराइल को कम आंकना गलती होगी गाजा में लड़ाई के साथ। क्या अगला नंबर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला का है? क्या इसराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इसराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 9 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इसराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्ला के कमांडर हसन नसरल्ला पर है। इसराइल जानता है कि अब तक हिजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है। हिजबुल्ला का एक एक हमला इसराइली सेना के रुतबे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, और अब हिजबुल्ला की तरफ से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इसराइल के सामने बड़े खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। وهو يعرف انه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنع عن صواريخنا ومسيراتنا. सात अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमास के हमले के बाद 9 महीने हो चुके हैं। इस वक्त नेतन्याहू और इसराइल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इसराइल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। एच से हमास, एच से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शब, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्ला तक पहुंची, और अब हूथी से टक्कर के बाद इसराइल में इराक से भी हमले हो रहे हैं। यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं, और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। उत्तरी इसराइल में लगातार हिजबुल्ला के हमलों से आग लग रही है। इसराइल का ये हाल हिजबुल्ला ने किया है। लेबनान का वो मिलिशिया जिसे ईरान का समर्थन है, उसने इसराइल की जमीन को अंगारों में बदल दिया है। लेबनान से लगे बॉर्डर के पास इसराइल की फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस लगातार चक्कर लगा रही हैं। यहां इमरजेंसी का लेवल बहुत हाई है। ये है किर्यात शमोना। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर इस शहर पर हिजबुल्ला ने ऐसा हमला किया कि चारों तरफ आग लग गई। फिर ये ऐसी फैली कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। शहर के पास बने हाईवे नंबर 90 से जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गई, वो दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। कई घर जल गए, कई गाड़ियां जल गई,
קריית שמונה वो शहर है जहां युद्ध शुरू होने से पहले करीब 25,000 की आबादी थी और अब यहां बहुत कम लोग बचे हुए हैं। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्ला का पहला टारगेट यही शहर लगातार बना हुआ है।